जाइए, इसको पकड़िए, इसको एक साल चलाना है आपको। हाँ, अब एक साल बाद मिलेगा आपको। क्या नाम है आपका? पकड़िए, आइए, नाम बताइए, आ जाइए, आइए। ठीक है, ठीक है, आइए, कौन नाम है? आइए बेटा, आइए, आगे बढ़िए, थोड़ा तेज बताइए नाम, जाइए। क्या नाम है आपका? जाइए, अपना नाम बताइए बेटा, पकड़िए। गांव का नाम बताइए। मछली वाली कहानी बताइए जोर से, बताइए जोर से, बोलिए जोर से। और आगे आगे बताओ, एक किताब और देंगे हम आपको, पूरा बताइए, बताया। और आगे जीवन उसका पानी है, ये कौन बताएगा? पूरा बता लेते हैं, प्रेशर में हाल रखा। आइए आप, आइए, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? जाइए, आइए, क्या नाम है आपका? हमारे घर भैया नरेंद्र यादव जी यहाँ के प्रबंधक हैं, सब हैं ही। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल स्वागत है। जी, स्वागत है आपका हमारे स्कूल, जिसका नाम हमारे कृष्ण कोचिंग सेंटर। और इसमें कक्षा एक से आठवीं तक बुलटिंग बोर्ड और सी बी एस ई पढ़ते हैं, बच्चों का हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और कुछ बच्चे हमारे पास हैं जिससे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता नहीं कि क्या बच्चे हैं, बहुत गड़बड़ है और निःशुल्क पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कोचिंग में लगभग 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर की कंडीशन एकदम दयनीय है, जो फीस पेपर नहीं कर सकते। तो आपका नया कोचिंग है, इसके लिए लागू है कि जूना हो जाने के बाद यही सिस्टम रहेगा? नहीं नहीं, हमारा देखिए मेन मकसद है कि आज के डेट में ना पढ़ाई जो है वो बहुत कॉस्टली हो गई है। पढ़ाई तो अब बिजनेस है, आपको तो पता है। जी, पढ़ाई बहुत कॉस्टली हो गई है, और जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा है वो गरीब से गरीब परिवार के बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे आगे ग्रोथ करें। हमें कुछ लोगों से पता चला कि आप अपने लोग, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के यहीं रहते हैं बच्चों के लिए, क्या ये सत्य है? कहाँ से ये सही बात है कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ करके सही बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए। गाँव वाले सब कुछ बच्चे बताते हैं कि आप 2 महीना 4 महीना मतलब घर से 2 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, घर पर नहीं जाते आप। जब कोई कोई संकट आता है या कोई प्रकार का कोरोजन या कुछ रहता है तभी घर पे जाते हैं, ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल, आपके बच्चे के लिए, इन बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मैं यहीं पर रहता हूँ और इन लोगों को देखता हूँ। हमको ये लगता है सर कि जैसे किसी बच्चों को टाइम जब तक नहीं देंगे तब तक वो ग्रोथ नहीं करता है। और भी टीचर रखे हैं? नहीं नहीं, अकेले हम अकेले हैं और अकेले ही मैनेज करते हैं, और जितना हो सकता है उतना मैनेज करने का कोशिश करते हैं। अब बच्चे तो हैं, आप फ्री में पढ़ाते हैं, जब सारे बच्चे काम आते हैं, इतना बड़ा कमरा लिए हैं, अब कैसे सब मैनेज करते हैं? सर हो जाता है, और हमारे कोचिंग का इनाम हरे कृष्ण कोचिंग सेंटर है। भगवान सबका कर देते हैं और हमारा भी करते हैं, उनके अनुसार चलता रहता है। और जिसके साथ भगवान है
उनके नाम से कोचिंग सेंटर है, तो बच्चों का ग्रोथ हुआ है इस कोचिंग सेंटर में और हम चाहते हैं और उनको इस बात की असर कि कोचिंग आत्म ऐसे चलता रहेगा और बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर। आप यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? ईफा नाम है आपका? कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? तीन। आप आइए। क्या नाम है आपका? कितने पढ़ते हैं आप और कितनी दिन से आपके हैं? क्या मतलब पहाड़ा कहाँ तक आता है आपको? पूरा बीस तक 19 का बताइए। इसमें आता है आपको इसको ये हो गया ये चारों प्रकार का आता है आपको? हाँ। और इसके लिए जैसे सिंपल से लेकर डेढ़ तक अम्ब्रेला का बताइए, डेढ़ का बताइए।